नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम कुर्सीनामा में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। उत्तर प्रदेश में दो चरणों की वोटिंग हो चुकी है और दोनों ही चरणों में मुकाबला दिलचस्प देखने को मिला और अब तीसरे चरण की वोटिंग होनी है और इस वोटिंग के लिए दलों के द्वारा चुनावी बिस्तार बैठाई जा रही है और ऐसे में आज हम बात करेंगे मैनपुरी सीट की। तो चलिए कुर्सीनामा में आज हम आपको मैनपुरी विधानसभा सीट लेकर चलेंगे और बताते हैं कि यहाँ माहौल क्या है, जनता के बीच कौन सबसे लोकप्रिय है, मतदाता किसकी बातों पर एतबार कर रहे हैं और किसे दरकिनार कर रहे हैं। तो सियासत का बड़ा केंद्र रहे मैनपुरी में सियासी लहरों का जोर नहीं चलता। बीते 45 साल में जो भी देश से लेकर प्रदेश तक जो भी बड़ी सियासी लहरें आई, यहाँ के मतदाताओं को पूरी तरह लुभा नहीं पाई, कभी बड़ी कामयाबी नहीं मिली। हालांकि इससे पहले आपातकाल के बाद जनता में बनी विरोध की लहर जरूर कामयाब रही थी और तब पूरा मैनपुरी जिला इस लहर में आवेग में बह निकला था और हर सीट पर जनता पार्टी को विजय मिली थी। और बहरहाल 20 फरवरी को वोटिंग होना है और 2017 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी यहां की सिर्फ एक सीट पर सेंध लगाने में कामयाब हो पाई थी, बाकी तीनों सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी, जबकि सपा के दूसरे गढ़ फिरोजाबाद की 5 से 4 सीटें और कन्नौज की 3 में से 2 सीटें बीजेपी ने झटक ली थी। बीजेपी की नजर अब सपा के मैनपुरी के गढ़ पर है और आज चर्चा इसी मैनपुरी के इस मैजिक को लेकर है और चर्चा को विस्तार दें उससे पहले रिपोर्ट एक देख लेते हैं। मैनपुरी को समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। ये बात अलग है कि जिले की सदर विधानसभा सीट कभी किसी एक दल की नहीं रही, इस सीट पर मुद्दे दरकिनार रहे, वहीं हर चुनाव में सिर्फ जातिगत कार्ड चला है, इसलिए सीट पर जीत का सेहरा कभी क्षत्रिय तो कभी यादव जाति के प्रत्याशियों के सिर पर ही सजा, कभी साइकिल चली तो कभी भगवा लहराया। 2012 से सीट पर समाजवादी पार्टी काबिज है। सदर विधानसभा सीट पर क्षत्रिय और यादव जाति का वर्चस्व है, यही कारण है कि इस सीट पर क्षत्रिय और यादव जाति के प्रत्याशी ही विधायक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अस्तित्व में आने से पहले भी कई बार इस सीट पर यादव जाति के प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। इस सीट पर कभी भी चुनावी मुद्दे हावी नहीं हुए, हर राजनीतिक दल ने जातिगत आंकड़ों के आधार पर टिकट बांटे जिसका उन्हें फायदा मिला है। कभी क्षत्रिय प्रत्याशी की राह जातिगत समीकरणों के चलते आसान हुई तो कभी यादव जाति के प्रत्याशी को विधानसभा में जाने का मौका मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी सदर सीट पर जातिगत कार्ड चला गया है। समाजवादी पार्टी ने 2 बार से विधायक राजकुमार यादव राजू को टिकट देकर यादव वोट बैंक को साधने की कोशिश की, वहीं बीजेपी ने ठाकुर जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतार कर क्षत्रिय मतदाताओं को साधने का प्रयास किया है। जयवीर सिंह 2 बार घिरोर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव जीत कर सरकार में 2 बार मंत्री रह चुके हैं। समाजवादी पार्टी का गठन वर्ष 1992 में हुआ था। समाजवादी पार्टी ने पहली बार 1993 में विधानसभा का चुनाव लड़ा। 1993 से लेकर 2017 के बीच 6 बार विधानसभा चुनाव हुए, इनमें 3 बार बीजेपी और 3 बार समाजवादी पार्टी का विधायक चुना गया। क्षत्रिय 50,000, यादव 50,000, ब्राह्मण 28,000, वैश्य 26,000, लोधी 25,000, शाक्य 23,000, एससी 21,000 और मुस्लिम 20,000। बहरहाल एक बार फिर से चुनाव में जीतने के लिए तमाम दावे और वादों को करना शुरू कर दिया है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में आम जनता क्या स्थानीय मुद्दे पर मुहर लगाती है या एक बार फिर से जातिगत समीकरण ही हावी रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो मैनपुरी में किसका चलेगा मैजिक और कौन बनेगा किंग, मतदाताओं का झुकाव आखिर किस ओर है, चलिए अब ये समझने की कोशिश करते हैं। हमारे संवाददाता मैनपुरी से जुड़ गए हैं और वहीं
कुछ और दिलचस्प पहलुओं को भी हम जानेंगे हमारे सहयोगी निशांत चौरसिया जो हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़े हैं। सबसे पहले निशांत का रुख कर लेते हैं। निशांत, ये सीट समाजवादी पार्टी का गढ़ है, परंपरागत सीट है, कोई भी लहर आई हो, लेकिन इस मैनपुरी सीट पर इसका कोई असर नहीं दिखा। 2022 का चुनाव कितना अलग नजर आ रहा है इस बार मैनपुरी में? देखिए बच्चा, मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में चार सीटें हैं, चारों सीटों पे 2017 में समाजवादी पार्टी जिस वक्त वो 300 सीटों से घट करके 47 पे आ गई थी, उसके बावजूद उस जिले में भारतीय जनता पार्टी ने सेंध नहीं लगा पाई और चारों सीटों पे समाजवादी पार्टी का परचम लहराया। और वहाँ पे अभी तक जहाँ पे यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव या फिर अखिलेश यादव, अब जिन भी चेहरों पे दाव आजमाते हैं, जिसके सर पे उनका हाथ होता है, वो सीट बड़े आसानी से निकल जाता है। उसका कारण है वहाँ का जातिगत समीकरण और मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि, वहीं पे करहल सीट है। करहल जो सीट है और भी उनका गढ़ माना जाता है, और उसी जिले में जो है मुलायम सिंह यादव ने शिक्षा दीक्षा ली, वहाँ पे जैन इंटर कॉलेज में वहाँ पे उन्होंने पढ़ा और बाद में वहीं पे वो शिक्षक बन गए, यानी वहाँ पे पढ़ाया भी और वहीं से अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत की। जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी की उपज उस धरती से हुई है, मैनपुरी से हुई है, वहीं से 4 किलोमीटर दूरी पे कैसे ही है जहाँ पे अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव परिवार का घर है। मात्र 4 किलोमीटर की ये दूरी है दोनों जिलों के बीच में, और इनके घर के दोनों घर के बीच में, मतलब जहाँ पे उनकी कर्मभूमि है, जहाँ पे उनकी जन्मभूमि है। जाहिर सी बात है कि जो वहाँ की जनता है वो अखिलेश यादव या फिर यादव परिवार, मुलायम सिंह यादव के चलते जो उन्होंने जमीन बनाई है उसके चलते उन पे ज्यादा फोकस करती है या फिर उनको ज्यादा मानती है। यही कारण है कि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी या फिर कोई अन्य दल, हालांकि कई लोगों से उन्होंने जो है दाव आजमाया है, वहाँ से कई लोग विधायक बने हैं, लेकिन अगर ओवरऑल पूरी सिनेरियो पे बात करें तो समाजवादी पार्टी पे ही अभी तक जो है मुहर लगाती आई है वहाँ की जनता। और उनसे ही तौर पर जो पिछले चुनाव परिणाम है ये साफ जाहिर करते हैं कि समाजवादी पार्टी का वर्चस्व वहाँ पर काफी ज्यादा है, जनता भी काफी उन्हें समर्थन देती है। आप बने रहिए, मैं लौटूंगी। अरुण यादव संवाददाता हमारे साथ मैनपुरी से जुड़ गए हैं। अरुण, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ और काफी मेहनत की इसे, इस जमीन को तैयार करने में समाजवादी पार्टी ने, क्या इस बार बीजेपी 2002 और 2007 की जो जीत थी वो उसे दोहरा पाएगी? और साथ ही साथ ये भी बताइए कि वहाँ पर बीजेपी को लेकर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए मैं आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है मैनपुरी को। सदर विधानसभा की बात करें तो समाजवादी पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आ रहा है। भले ही 2002 और 2007 में कमल खिला हो यहाँ पर, लेकिन लगातार 2012 से लेके 2022 तक का सफर समाजवादी पार्टी के राजकुमार यादव राजू ने तय किया है सदर विधायक के रूप में। बिल्कुल अरुण, लेकिन देखिए इस बार जो सरकार है विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन जातिगत समीकरण भी अगर देखें तो समाजवादी पार्टी ने जाति के आधार पर यहाँ पर प्रत्याशी उतारा है। ऐसे में यहाँ की जनता आखिर किसे तवज्जो देती है? क्या विकास के बलबूते पर यहाँ पर मुहर लगाएगी, या फिर वही जातिगत आधार पर यहाँ पर एक बार फिर से समाजवादी पार्टी को समर्थन मिलेगा? हम जातिगत समीकरणों की बात करें तो 70,000 यादव मतदाता है, उसके बाद 30,000 शाक्य मतदाता है, 30,000 क्षत्रिय मतदाता भी है, 15,000 लोधी वोटर्स हैं, 15,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और 20,000 दलित वोटर्स हैं। तो जाति समीकरणों के आधार पर समाजवादी पार्टी का ही पलड़ा भारी नजर आता है। अरुण, लेकिन विकास वहाँ पर कितना हुआ है? जो जनता को जिन चीजों का इंतजार था, क्या उनकी पूर्ति यहाँ पर सरकार की तरफ से की गई है, चाहे सड़कों की बात की जाए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में या स्वास्थ्य के क्षेत्र में? लेकिन मैं विकास की बात करें तो विकास की गंगा यहाँ समाजवादी पार्टी के जो विधायक है उन्होंने बखूबी अच्छी तरीके से बहाई है। जनता उनके कारनामों से काफी खुश है, जो उन्होंने विकास किया उसे काफी संतुष्ट नजर आती है। बीजेपी प्रत्याशी को लेकर किसी तरह का माहौल? बीजेपी के प्रत्याशी ठाकुर जयवीर सिंह, जो कभी मंत्री भी हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी से, इस बार वो सदर विधानसभा से मैदान में हैं। वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं, अब देखना ये होगा कि उनका प्रयास कितना सार्थक नजर आता है। बिल्कुल, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की अगर बात की जाए अरुण, तो कांग्रेस का वर्चस्व यहाँ पर कितना नजर आ रहा है?
क्या जो तमाम वादे किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, क्या जनता इससे प्रभावित नजर आ रही है वहाँ पे? कांग्रेस ने विनीता शाक्य को यहाँ अपना प्रत्याशी बनाया सदर से, जबकि जनाधार की बात करें तो कांग्रेस का वजूद लगभग यहाँ से बिल्कुल समाप्त होता नजर आ रहा है। ठीक है, आप बने रहिए, निशांत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। निशांत, देखिए समाजवादी पार्टी का तो ये गढ़ है, लेकिन 2002 और 2007 के चुनाव परिणामों की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। आखिर उस समय की बात की जाए और इस समय में आखिर कितना परिवर्तन नजर आ रहा है, क्यों बीजेपी यहाँ पर 2012 2017 में नहीं जीत पाई? देखिए, अगर मैनपुरी जिले की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को पता है कि अगर समाजवादी पार्टी के गढ़ में सेंध लगाना है तो वहाँ पे किसी जहाँ पर भी मौका लगे, क्योंकि चार विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पर भी मौका लगे वहाँ पे वो अपने प्रत्याशी को इस तरीके से जोड़ तोड़ करके वहाँ पे खड़ा करे ताकि उसका परसेप्शन, एक मैसेज पूरे प्रदेश में जाए। यही कारण है, इसको मैं समझाना चाहूंगा वर्षा, कि आज जो है चरहल विधानसभा पे मुलायम सिंह यादव भी अखिलेश यादव के लिए वोट मांग रहे हैं और आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी वहाँ पे जाकर के समाजवादी पार्टी को हराने के लिए और एसपी सिंह बघेल को जिताने के लिए वोट मांग रहे हैं। यही कारण है। और उन्होंने एक बात कही, अमित शाह ने कहा है कि अगर चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 300 सीटों से ज्यादा सीटें लाए और आप चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो तो पूरे प्रदेश में तो बात की बात है, सिर्फ करहल विधानसभा मैनपुरी के करहल विधानसभा से जो है आप हरा करके दिखाइए और इससे सिर्फ यहाँ पे हरा दीजिए, पूरे प्रदेश में सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इसके पीछे एक बड़ा मैसेज है वर्षा, कि ये मैनपुरी के इन सब सीटों को जहाँ से इनका अपना गढ़ माना जाता है, जहाँ पे इनका अपना घर माना जाता है, जहाँ पे इनका कर्मभूमि मानी जाती है, वहाँ से समाजवादी पार्टी को हराने का मतलब है कि पूरे प्रदेश में एक मैसेज कन्वे कर। यही कारण है कि वो हॉट सीट बन गया है। एसपी सिंह बघेल जो है अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ाई लड़ रहे हैं। एसपी सिंह बघेल कभी मुलायम सिंह यादव के पीएसओ हुआ करते थे और मुलायम सिंह यादव ने ही पहली बार एसपी सिंह बघेल को जो है जेरावल से लोकसभा सीट से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ाया था और उन्होंने जिताया भी था। उन्होंने कई बार मौके दिए हैं और एसपी सिंह बघेल कई बार सांसद भी बने। निशान, देखिए इस बार कोई लहर तो यूपी में नजर नहीं आ रही है और तमाम वादे, विकास के दावे जो कर रही है सरकार, ये तो जनता को दिख रहा है, लेकिन घोषणा पत्र में भी तमाम वादे कांग्रेस की तरफ से, बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से किए गए हैं। लेकिन अगर बात की जाए, क्योंकि इस बार जनता काफी खुश नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जनता की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमें अनाज दिया है तो उस नमक का कर्ज हम उतारेंगे, बीजेपी को वोट देंगे, तो क्या इस बार मैनपुरी में इस तरह की जनता के मन में कुछ चल रहा है कि अनाज मिल रहा है उन्हें और इस तरह की कुछ बातें निकल के सामने आई है? मैं अखिलेश यादव के नामांकन में मैनपुरी में था, अपनी स्वराज की टीम थी, तो मैंने उस चारों विधानसभा के जमीनी तहकीकात करने की कोशिश की कि आखिर में क्या कारण है कि समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे ठीक ठाक स्थिति में तो रहती है लेकिन वो बहुत ज्यादा फाइट नहीं कर पाती है। उसका सबसे बड़ा नतीजा और सबसे बड़ा कारण मैं पहले बार जब बताया वर्षा कि वहाँ पे लोग मानते हैं कि ये मेरे घर के हैं, ये मानते हैं कि ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमारे परिवार के हैं। यही कारण है। और दूसरी कारण ये भी है कि जो वो क्षेत्र है मैनपुरी क्षेत्र है, अखिलेश यादव जब सरकार में थे, उसके पहले मुलायम सिंह यादव जब सरकार में थे, जब भी ये लोग सत्ता में रहे, इतना काम किया है वहाँ पे कि वहाँ की जनता कह रही है कि हमको दूसरे के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। बीच बीच में तो ये भी लोग कहते हैं कि भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बन जाए, योगी भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे तो हम अखिलेश यादव को, समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट हो मैं उसी को जिताऊंगी, क्योंकि ये उनका ये मानना है कि यहाँ पे जो कुछ भी मूलभूत सुविधाएं भारतीय जनता पार्टी है, उसके पहले समाजवादी पार्टी, चाहे कोई भी दल जिसकी सरकार यहाँ पे रही है, मिली है तो वो सरकार से ज्यादा यहाँ पे समाजवादी पार्टी के लोग जब रहे हैं उन लोगों ने किया। यही कारण है कि लोगों का कहना है कि सरकार किसी की भी बने लेकिन मैनपुरी में समाजवादी पार्टी ने काम किया है और समाजवादी पार्टी का ही यहाँ पे हम लोग यहाँ का यहाँ पर वर्चस्व है और हम लोग उनको वोट करेंगे। इसीलिए जब 2017 में और 2019 में जब योगी मोदी लहर थी, जब 2014 में लहर थी, एक प्रतिष्ठान बना था, एक हवा चली थी पूरे प्रदेश में, समाजवादी पार्टी को कई जिलों में सुपड़ा साफ हो गया था और बसपा तो एकदम थकी सी दिख रही थी। ऐसे वक्त में जो है
कभी भी मैनपुरी के लोगों ने समाजवादी पार्टी पे विश्वास किया और उनको उनको वोट दिया और उनको जिताया, यही कारण है। और अभी भी लोग कह रहे हैं, अगर उनसे सवाल करने पे कि क्या आपको 5 किलो राशन मिलता है, आपको बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो योगी सरकार कर रही है, फिर भी आप अखिलेश यादव को क्यों वोट दे रहे हैं, उनका साफ कहना है कि अभी जो भी परिस्थिति यहाँ पे दिख रहा है, जो भी ऊंची ऊंची बिल्डिंगे यहाँ पे दिख रही है, जो स्कूल कॉलेज यहाँ पे दिख रहे हैं, जो ये बड़ा सा गेस्ट हाउस आपको करहल का दिख रहा है, वो सब समाजवादी पार्टी के लोगों ने कहा है। कहा जाए कि विकास तो यहाँ पर भरपूर हुआ है, अब ये देखना होगा कि आखिर 10 मार्च को क्या कुछ नतीजे कहते हैं, जो समाजवादी का जो गढ़ है और जो जमीन उन्होंने तैयार की है, क्या फिर से एक बार उसको बचाने में यहाँ पर कामयाब होगी, ये देखना अहम होगा। आप बने रहिए और मैनपुरी से अरुण यादव हमारे साथ जुड़े हुए, तो अरुण आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, आज ही ले आए, पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती, पेट सफा हर रोग दफा। श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। हर स्टूडेंट मेहनती और टैलेंटेड होता है, जरूरत है तो बस एक अच्छे गाइडेंस की, जो उन्हें मिलती है श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल साइंसेज में। एडमिशन गाइडेंस। और ब्रेक के बाद कुर्सीनामा में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैनपुरी विधानसभा सीट के हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है और निशांत चौरसिया हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निशांत, जिस तरह से हम जिक्र कर ही रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के इस गढ़ को तोड़ना कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है, और 2002 और 2007 के जो परिणाम थे, ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी भी आश्वस्त होगी और तमाम और पूरी कोशिश भी कर रही है कि इस बार तो 2022 में यहाँ से जीते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो वहाँ पे पूरी तरीके से सक्रिय हो गई है। एसपी बघेल को उतारने का यही कारण रहा कि वहाँ पे पूरे चारों सीटों पे एक मैसेज जाए। बात सिर्फ सदर की नहीं है, अगर मैनपुरी की किसी भी सीट की बात कर दी जाए तो सभी सीटों पे एक दो बार जो है ऊपर नीचे आंकड़ा जाएगा, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का घर है गढ़ है। मैं बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ, यही कारण है कि जब करहल सीट मैनपुरी सदर से जस्ट बगल में सीट है, करहल सीट से जब अखिलेश यादव नामांकन भरते हैं तो अंतिम वक्त में भारतीय जनता पार्टी एसपी सिंह बघेल को लाती है, जो कभी समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव के करीबी हुआ करते थे। वो एक मैसेज देने की बात होती है, जैसे गोरखपुर सीट की बात। बने रहिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी से जिला अध्यक्ष सुनील वर्मा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। सुनील जी, क्या तैयारियां आपकी, 20 फरवरी को यहाँ मतदान होने वाला है जी, आवाज पहुंच रही है सुनील जी? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं सुनील जी? हेलो जी, आवाज पहुंच रही है सुनील जी आप तक मेरी? आ रही है आवाज जी, क्लियर आवाज आ रही है? अब आ रही है। सुनील जी, देखिए, समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, लेकिन जाहिर तौर पर बहुजन समाज पार्टी भी यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही होगी, क्या लग रहा है इस बार जनता का मन क्या कहता है, इस बार समर्थन मिलेगा? देखिए, जनता का मन बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की दोनों की सरकारें देख चुकी है जनता। और मैनपुरी में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का सदर मुकाबला होता रहा है, लेकिन अब की बार जो है बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में पूरी जनता, पूरे मैनपुरी की चारों विधानसभाओं की सीटों के लोग बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में खड़े हैं। हमारे पार्टी के प्रत्याशी जहाँ भी जाते हैं हजारों की संख्या में लोग उनके साथ जुड़ जाते हैं और वोट की अपील कर रहे हैं। सरकार सबके देखी वहाँ की जनता ने, लेकिन हमेशा समाजवादी पार्टी को ही समर्थन मिला है, क्या कहेंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, अब लोग जागरूक हो गए हैं। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में कानून व्यवस्था अच्छी रहती है, किसानों की आय दोगुनी होती है, युवाओं को रोजगार मिलता है और अम्बेडकर गांव समग्र विकास योजना के अंतर्गत कई गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, बिजली से जोड़ा गया, 11 बिंदुओं का काम हुआ, विशेष तौर से अब लोग समझ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी की निश्चित तौर पर मैनपुरी से चारों विधायक जीत करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार निश्चित बनने जा रही है 2022। लेकिन सुनील जी, कोई मुकाबला दूसरे नंबर पर कौन सी पार्टी को आप देख रहे हैं मैनपुरी में? देखिए, दूसरे नंबर की, चूंकि हमारी सरकार 7 से 12 तक चली, लोगों ने देखा, उसके बाद समाजवादी पार्टी के सरकार में देखा कि कानून व्यवस्था के नाम की कोई चीज नहीं रही और लोग बड़ा परेशान रहे, घर से बहन बेटियों के
आबरू सुरक्षित नहीं रही। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी इतने बड़े वादे किए कि हम पूरे वादे करते रहे, कोई काम नहीं किया। इसलिए लेकिन सुनिए जी, बीजेपी तो ये बोलती है कि पिछली सरकारों में तो गुंडा राज कायम था। पिछली सरकार में आप ये तो पूरे देश में मिसाल है, बहुजन समाज पार्टी की जब भी सरकार बनती है तो कानून का राज होता है। आप देख लीजिए दलित समाज की बस्ती के साथ किस प्रकार के अन्याय अत्याचार हाथरस में हुआ, हमारे चाहे मैनपुरी में देख लो, चाहे अन्य कहीं देख लो, हर एक जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग परेशान है, पीड़ित है। हमारी माताएं बहनें बड़ा दुखी है, इतनी महंगाई बढ़ गई है, चरम सीमा पर हो गई है, और हमारे जो युवा लोग हैं, युवा कार्यकर्ता, युवा जो है मैनपुरी जनपद का नहीं पूरे प्रदेश का ही पूरा का पूरा बेरोजगार हो चुका है। और इसलिए जो है इन केवल बहुजन समाज पार्टी के लोग काम करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सुनील जी। और निशांत हमारे साथ लगातार बने हुए। निशांत, सुना आपने जो बीएसपी है वो भी यहाँ पर जीत का दावा कर रही है। बिल्कुल, कोई भी दल है तो वो तो दावा करेगी, उनको भी पता होता है, अगर ये अपने सर्वे होते हैं उनको भी पता होता है कि कौन सी सीट किसके लिए बड़ा मुफीद है। इनको भी पता है कि जब जब बहुजन समाज पार्टी की लहर थी, जब सरकार आई, तभी भी यहाँ पे बहुत अच्छा उन्होंने प्रभाव नहीं डाला था, लेकिन लड़ाई में है। और ये लोग इम्पोर्टेंट तब हो जाते हैं कि जब ये लोग वोट काटते हैं, जब वोट काटते हैं, बड़े बड़े दल हो या छोटे दल हो, कोई भी निर्दल प्रत्याशी हो, मैं ये कतई नहीं कहता कि वोट कटवा पार्टी है, लेकिन ये ऐसे सीटों पे जिन सीटों पे किसी का वर्चस्व हो, किसी का गढ़ हो, वहाँ पे ये छोटे छोटे दल या फिर छोटे छोटे मार्जिन से हारे हुए लोग या फिर छोटे छोटे आंकड़ों में तब्दील हुए वोटर्स भी बड़ा मायने रखते हैं कि अब उन्होंने किसका वोट काटा है। यही कारण है कि जब ऐसे ऐसे सीटों पे जहाँ पे चुनाव होती है वहाँ पे ये बड़े मायने लगाए जाते हैं कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है और किसको अपना उम्मीदवार बना रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल फेक मैं बता रहा हूँ कि ये मायावती के लिए एक लगातार लोग ये कहने लगे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग मंचों से कहने लगे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बैटिंग कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव लड़ रही है। कारण ये है कि जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स ज्यादा है वहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट वो दे रही है, समाजवादी पार्टी की हार वैसे हो जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाएगी, ऐसा लोगों का परसेप्शन है, ऐसा लोगों का कहना है। जाहिर सी बात है कि ऐसे में बहुजन समाज पार्टी बहुत ऐसी जगह है और उसकी जो कैडर वोट है, जो उनके वोटर्स हैं, चाहे वो जीतती है चाहे हारती है, उनका आंकड़ा बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं होता है। 2017 का देखा जाए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का ये गढ़ है, उसके बावजूद भी महज 8,000 वोटों से यहाँ पर जीती है, तो इसे हम एक तरफा चुनाव नहीं कहेंगे, एक तरफा नतीजा इसे नहीं कहेंगे हम। बिल्कुल, राजकुमार यादव जो है वो वहाँ से विधायक है समाजवादी पार्टी से, 2012 में पहली बार उन्होंने वहाँ से चुनाव लड़ा था और वहाँ से जीत हुई थी। मुलायम सिंह यादव के भाई रामगोपाल यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो मुख्य प्रमुख सचिव हुए हैं समाजवादी पार्टी में, सांसद हैं, उनके करीबी ये माने जाते हैं और ये माना जाता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से ये पार्टी में वहाँ से चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। जाहिर सी बात है महज 8,000 कुछ तो 9,000 तकरीबन 9,000 वोटों से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हराया था, इसलिए भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे कमर कसती। बिल्कुल, जाहिर तौर पर बिल्कुल, और बीजेपी की तरफ से कोशिश भी की जा रही है कि फोकस हमारा वहाँ है जहाँ हमने कम वोटों से हार हमारी हुई है, तो ऐसे में बीजेपी फोकस भी उसी जगह पर ज्यादा कर रही है। लेकिन अब देखना होगा आखिर की 10 मार्च को क्या कुछ नतीजे कहेंगे, क्या समाजवादी पार्टी एक बार फिर से यहाँ जीतेगी, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया निशांत हमसे जुड़ने के लिए। और इसी के साथ कुर्सीनामा में आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।